हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आपको उधर जितना भी बजा है उसे सब सब समझ लो एंड वेलकम टू डेट पक्षी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हाल ही में रिलीज हुए एक सुपर नेचुरल कॉमेडी ड्रामा मूवी गोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो शुरू होने से पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ठोक दीजिए। मूवी के डायरेक्टर है जेसन रीडमैन और इस फिल्म में हम हमारे एंटमैन पॉल रड को देखेंगे। मूवी का आईएमडीबी रेटिंग है 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10। रोटेन टोमेटोज पे ये है 63% फ्रेश और वुडो पे ये है 4.6 स्टार्स आउट ऑफ 5। तो अभी बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी स्टार्ट होता है एक माउंटेन से जिसके ऊपर एक बड़ा बादल था। उस पहाड़ के अंदर से लेजर जैसा कुछ निकलता है जो बादल को लपेट लेता है। फिर हम देखते हैं एक गाड़ी को जो शैंडोर माइनिंग कंपनी का गेट तोड़ के चला जाता है। गाड़ी के पीछे पीछे हम एक अदृश्य शक्ति को देखते हैं जो गाड़ी का पीछा कर रहा था। गाड़ी के अंदर एक डिवाइस था। सीन को देख के लगता है वो अदृश्य शक्ति इसी डिवाइस का पीछा कर रहा होगा। वो अदृश्य शक्ति गाड़ी पे हमला करके उसे पलट देता है। गाड़ी का ड्राइवर जैसे तैसे बच के डिवाइस के साथ एक घर तक पहुंचता है। घर में पहुंच के वो कुछ पावर सप्लाई ऑन कर देता है। वो अदृश्य शक्ति उसके तरफ बढ़ता है और वो इंसान कुछ पैडल को दबाता है लेकिन बदकिस्मती से पावर ही चला जाता है। प्लान फेल होता देख के वो इंसान उस डिवाइस को घर के अंदर एक जगह छुपा देता है और सोफा पे बैठ जाता है। उनको मालूम था शायद अब उनका अंत आ गया है और वो अदृश्य शक्ति एक मॉन्स्टर का रूप लेके उन पे झपट पड़ता है। ये था मूवी का इंट्रो। अच्छा लगा ना? मुझे बहुत पसंद आया था मूवी को देख के। आई होप आपको भी इतना एक्सप्रेशन तो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, भीख मांगना बंद करता हूँ, आगे स्टोरी को जानते हैं, लेट्स गो। फिर हम देखते हैं एक फैमिली को जहाँ एक मॉम और उनके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा ट्रेवर और छोटी बेटी फीवी। फीवी को साइंस से काफ़ी लगाव था और वो काफ़ी स्मार्ट थी। मॉम जिनका नाम कैली था वो हस्बैंड से सेपरेट रहती थी क्योंकि हस्बैंड को बेटी पसंद नहीं था। साले को एक छपटा मारो। मॉम के पास घर का भाड़ा का भी पैसा नहीं था। लैंडलॉर्ड रेंट के लिए आता है तो मॉम बताती है उनके फादर का डेथ हो गया है हाल ही में और उनके फादर कुछ ज़मीन छोड़ के गए हैं उनके लिए जो वो बेच के जल्द ही रेंट चुका देगी। लैंडलॉर्ड वहाँ नोटिस लगा के चला जाता है। फिर मॉम अपने बच्चों को लेके उनके लेट फादर के घर को रवाना हो जाती है। अब हर हॉरर मूवी की तरह यहाँ पर भी नेटवर्क का इशू आ जाता है। क्लासिक, कम ऑन, फोन अच्छे से काम करेगा तो हॉरर कैसे होगा। तो जल्द ही छोटा फैमिली अपना डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। घर का हाल काफ़ी बुरा था, घर में एक भी पिक्चर्स नहीं थे। मॉम सोचती है वैसे भी उनके फादर उनसे प्यार नहीं करते थे। कहानी ऐसा है कि बहुत साल पहले कैली और उनकी फैमिली को उनके फादर छोड़ के चले गए थे। रीज़न हमें आगे पता चलेगा। यहाँ ट्रेवर को घर पसंद नहीं था पर वो यहाँ से जाने की जिद नहीं करता क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता है उनके पास पैसे नहीं हैं। लड़का अच्छा है। वो घर में चीज़ें देख ही रहे थे कि तभी एक अर्थक्वेक आता है और वो एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं। रात को फैमिली थोड़ा मेन टाउन जाते हैं जहाँ ट्रेवर को लकी नाम की एक लड़की पे क्रश हो जाता है। टाउन का नाम वैसे समरविल था। लकी एक रेस्टोरेंट में काम करती है। उस रेस्टोरेंट में वर्कर्स चाहिए था तो चांस देख के ट्रेवर काम मांग लेता है। यहाँ केली को थोड़ा अपने लेट फादर के बारे में जानने को मिलता है। कुछ ज़्यादा खास बात नहीं। उस टाउन के लोग केली के फादर को डर्ट फार्मर बुलाते थे, मतलब कीचड़ का किसान। क्योंकि वो सिर्फ जमीन को खोदते थे, देखभाल करते थे पर कभी कोई बीज नहीं बोया। उनके फादर का उधर कोई दोस्त नहीं था, वो अकेले रहते थे। रात को घर में फीवी बुक पढ़ रही थी तभी पीछे एक चेस बोर्ड खुद ब खुद गिर जाता है। फीवी जाके चेस बोर्ड को सही से रख देती है और सो जाती है। रात को ट्रेवर फोन का सिग्नल ढूंढते हुए गैराज तक पहुँचता है और उसे बड़ा सा कुछ कपड़े से ढका मिलता है। वो कपड़ा को थोड़ा हटाते ही उसके फ़ोन का फ्लैशलाइट ऑफ हो जाता है तो वो देख नहीं पाता वो क्या है। सुबह जब फीवी जागती है वो
वो देखती है चेस का एक मोहरा खुद ब खुद आगे चला गया था। फीवी ज्यादा ध्यान नहीं देती और मजाक मजाक में एक और मोहरा वो खुद आगे कर देती है। मॉम फिर फीवी को एक समर स्कूल लेके जाती है जहाँ उनकी मुलाकात हमारे एंटमैन मिस्टर गैरी ग्रुबरसन से होती है जो उस समर स्कूल के टीचर थे। यहाँ फीवी की मुलाकात पॉडकास्ट से होती है। अपना नाम पॉडकास्ट उसने खुद ही रखा था क्योंकि वो पॉडकास्ट करता था। यहाँ स्कूल में भी अर्थक्वेक आता है। ये अर्थक्वेक कुछ ज्यादा नहीं आ रहा। यहाँ फीवी और मिस्टर ग्रुबरसन के बीच में एक कन्वर्सेशन होता है जहाँ वो अर्थक्वेक के बारे में बातें करते हैं। मिस्टर ग्रुबरसन बताते हैं इस टाउन में कोई भी अर्थक्वेक होने का रीजन नहीं है, ना वॉल्केनो ना टेक्टोनिक प्लेट्स, पर फिर भी रोज अर्थक्वेक आता है। रीजन हमें आगे पता चलेगा, बहुत कुछ आगे पता चलेगा, तो आगे वीडियो देखते रहिए। अगर आपको स्टोरी अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ठोक दीजिए और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। आगे मूवी में हम देखते हैं लकी और ट्रेवर को जिनका रिलेशंस अच्छे से आगे बढ़ रहा था। यहाँ पॉडकास्ट और फीवी स्कूल से वापस आ रहे होते हैं लेकिन वापस घर आने की वजह पॉडकास्ट फीवी को माइनिंग के साइट पे लेके जाता है जो भी बंद था। वहाँ पे वो कुछ स्टैचूज देखते हैं, भयानक स्टैचूज। मेन स्टोरी इसी माइनिंग से जुड़ा हुआ है, आप बस देखते रहिए, सुनते रहिए। यहाँ घर पे ट्रेवर गैरेज में कपड़ा को हटाता है और उसे एक गाड़ी मिलता है। ये गाड़ी गोस्टबस्टर्स ग्रुप का था जो ट्रेवर को पता नहीं, हमें पता है। पॉडकास्ट फीवी को घर तक छोड़ता है बाद में। रात को फीवी देखती है चेस का मोहरा और एक आगे आ चुका था, तो फीवी भी एक मोहरा आगे करती है और देखते ही देखते एक मोहरा हवा में लेविटेट होके एक मोहरा को हटा देता है और एक डिवाइस यहाँ ऑन हो जाता है। फीवी उस डिवाइस को लेती है और सिग्नल को फॉलो करती है। सिग्नल को फॉलो करके उसे फ्लोर पे एक पजल मिलता है। सॉल्व करने पर उसे एक डिवाइस मिलता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। फीवी उस डिवाइस को स्कूल लेके आती है और सर उसे देख के समझ लेते हैं वो एक गोस्ट ट्रैप था। फिर सर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं कैसे गोस्ट बस्टर्स ग्रुप गोस्ट को पकड़ते थे, पर धीरे धीरे गोस्ट कम होते गए क्योंकि गोस्ट बस्टर्स बहुत माहिर थे अपने काम पे और गोस्ट ना होने पर गोस्ट बस्टर्स भी गायब हो गए। गोस्ट ट्रैप को ट्राई करने के लिए वो ट्रैप को बस की बैटरी से कनेक्ट करते हैं और पेडल दबाते हैं पर कुछ नहीं होता। फिर हमारे सर पास जाके डिवाइस को अपने हाथ से छूते हैं और एक धमाका होता है। अंदर से एक गोस्ट अनलीश हो जाता है और वो गोस्ट माइनिंग साइट के ओर चला जाता है। वो गोस्ट माइन के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस्टर ग्रुबरसन को जो फीवी के घर आते हैं और केली से मिलते हैं। दोनों में काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। यहाँ फीवी और पॉडकास्ट को एक बुक मिलता है। बुक के अंदर उसी गोस्ट के बारे में था जिस गोस्ट को इन्होंने थोड़े देर पहले अनलिश कर दिया। लिखा था वहाँ वो गोस्ट अपने साथियों के साथ इस देश पे राज करना चाहता है। उनके लीडर का नाम गोजर था। फिर हम देखते हैं ट्रेवर को जो लकी और उसके दोस्तों के साथ माउंटेन जाता है घूमने के लिए। वो एक माइनिंग लिफ्ट में बैठे थे, अचानक नीचे कुछ हलचल होता है, लिफ्ट से वो निकल जाते हैं। मेरे हिसाब से वहाँ पे बैठा रहना चाहिए था, नीचे गिरो और थोड़ा सीख लो, जो ऐसे जगह में नहीं बैठना चाहिए। इतना बड़ा पहाड़ है, इतना खुला मैदान है, कहीं पर भी ये बैठो नहीं, इनको गुफा के ऊपर चट्टान में एक लिफ्ट में बैठना है जो कि सालों से काम नहीं करता। अगर कुछ वहाँ पे मेल फंक्शन होकर वो गिर जाते तो क्या होता, छोड़िए हम स्टोरी पे ध्यान देते हैं। वो देखते हैं नीचे मॉन्स्टर जैसा कुछ था जो लिफ्ट के एंट्रेंस से बाहर उड़ जाता है। सब डर जाते हैं पर सब पागल जैसे हंसते हैं। भूत देख के हंसी किसे आता है, मेरे तो अंतड़िए बाहर आते। घर में हम देखते हैं फीवी को जिसे ट्रैकर के मदद से उसके दादाजी का वर्किंग प्लेस मिलता है जहाँ उसे एक मशीन मिलता है। उसके दादाजी का आत्मा ही है जो उसको सिग्नल दे रहा था पहले दिन से। आज भी उसके दादाजी उसे वो मशीन को जोड़ने में मदद करते हैं। बाहर फीवी और पॉडकास्ट उस मशीन को ट्राई करते हैं और समझ आता है वो एक गोस्ट के लिए गन है जिससे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक वोल्टेज निकलता है। उनको फिर पास के फैक्ट्री से एक आवाज़ आता है। वो फिर फैक्ट्री में जाते हैं। वहाँ उनको एक लोहा खाने वाला गोस्ट मिलता है जो उन पर अटैक कर देता है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गैराज में ट्रेवर गाड़ी ठीक करता है और स्टार्ट करता है। गाड़ी को लेके वो मैदान के बीच में से निकल जाता है। रास्ते में उसे फीवी और पॉडकास्ट मिलते हैं। एक तरफ कैली और मिस्टर ग्रूबरसन डेट पे थे और दूसरी तरफ बच्चे गोस्ट को पकड़ते हुए टाउन को चला रहे थे। बहुत कोशिश के बाद आखिर में गोस्ट को ट्रैप करने में वो साकार होते हैं और फिर पुलिस उनको पकड़ के बहुत ही इज्जत से जेल में डाल देते हैं। यहाँ पुलिस स्टेशन से फीवी एक गोस्ट बस्टर को कॉल लगाती है जिनका नंबर उसने पहले ही लिख के रखा था। वो बोलता है वो अभी गोस्ट बस्टर नहीं है। फीवी उसे अपने ग्रैंडफादर के डेथ के बारे में बताती है। फीवी की माँ कैली जल्द ही पुलिस स्टेशन आती है मिस्टर ग्रूबरसन के साथ और उनको छुड़ा लेती है, पर गोस्ट गन वही पुलिस स्टेशन में रह जाता है। उस रात मिस्टर ग्रूबरसन मॉल में था, वहाँ वो मार्शमेलो को जिंदा देखते हैं और एक मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। भाग के वो गाड़ी में जाता है जहाँ वो मॉन्स्टर उसे पॉजेस कर लेता है। जी हाँ, पॉजेस खा नहीं जाता क्योंकि उस मॉन्स्टर को एक शरीर की ज़रूरत है। ऐसे और एक मॉन्स्टर है जिसको भी एक शरीर की ज़रूरत होगा और आगे आपको इसका मीनिंग पता चलेगा। अगर दोनों मॉन्स्टर को होस्ट मिल जाएगा तो ये दोनों साथ हो जाएंगे और गॉजर का रक्षक बनेंगे। आप कहानी सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ ट्रेवर, लकी, फीवी और पॉडकास्ट एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और साथ में माइनिंग साइट पे जाते हैं जहाँ उनको नज़र आता है उस माइन के मालिक का डेड बॉडी एक ग्लास के कॉफिन के अंदर है। उस माइन में उनको एक कुआ दिखता है जिसके अंदर से गोस्ट बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी 4 पावरफुल इलेक्ट्रिक गोस्ट गन से बीम निकलता है और उनको रोकता है और उस पावर की वजह से वहाँ अर्थक्वेक आता है और वो माइन का मालिक भी जाग जाता है। अर्थक्वेक के बाद सब शांत हो जाता है। यहाँ स्टोरी काफ़ी क्लियर हो गया। रोज समरविल के टाउन पे अर्थक्वेक क्यों आता था? इसी प्रोसेस के वजह से फीवी के ग्रैंडफादर एक गोस्ट बस्टर थे जिन्होंने अपना लाइफ, अपना परिवार सब सेक्रीफाइस कर दिया दुनिया को गोस्ट से बचाने के लिए। उन्होंने ही इन गोस्ट को रोक के रखा है। यहाँ घर में कैली को भी ट्रैकर मिलता है और वो भी अपने डैड के स्टडी रूम में पहुँच जाती है। यहाँ उनको अपने खुद के काफ़ी सारे पिक्चर्स मिलते हैं, उनकी पूरी लाइफ की हर मोमेंट का पिक्चर था। वो सारे चीज़ें देख के समझती है उनके डैड उनसे बहुत प्यार करते थे, पर वो अपने डैड को गलत समझती रही। पर वो वहाँ ज़्यादा समय खुशी को एंजॉय नहीं कर पाती क्योंकि तभी दूसरा मॉन्स्टर आके उनको अपने वश में कर लेती है। यहाँ पोजेस हुआ ग्रूबरसन माइन में गोस्ट गन सारे तोड़ देता है और गोस्ट को आज़ाद कर देता है। फिर हम कैली को मिस्टर ग्रूबरसन से मिलते देखते हैं और दोनों एक हो जाते हैं जिसका डर था। अब मॉन्स्टर्स का रूप लेके ये दोनों गोजर का गार्ड बनेंगे। यहाँ बच्चे पुलिस स्टेशन से गन लाने जाते हैं पर गन आयरन बार्स के अंदर होने के कारण नहीं निकाल पाते। फिर पॉडकास्ट लोहा खाने वाला गोस्ट को आज़ाद कर देता है जो लोहे का बार्स खा के निकल जाता है। फिर बच्चे आसानी से गन निकाल लेते हैं, स्मार्ट है सारे। बच्चे माइन में पहुँच जाते हैं जहाँ उनकी माँ और मिस्टर ग्रूबरसन मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। गोजर भी आती है और सबसे पहले माइन का मालिक को ही मार देती है। माइन का मालिक ने माइन बनाया था गोजर को बुलाने के लिए ताकि वो और गोजर साथ में मिलके दुनिया पे राज कर सके, पर गोजर उसे बीच में से फाड़ देती है। यहाँ माइन का मालिक और उसके प्लान्स दोनों फट गए। गोजर अपने सिंहासन में बैठ जाती है। फीवी वहाँ आके गोजर को बेवकूफ बना के उसे गोस्ट ट्रैप में कैद कर लेती है। कैली भी इंसान में बदल जाती है। वो सारे गोस्ट ट्रैप को लेके गाड़ी में घर पहुंच जाते हैं। मॉन्स्टर भी पीछे पीछे आता है। मॉन्स्टर भी वहां पहुंच जाता है और फीवी कैली को लीवर पुल करने बोलती है। ये वही सीन जैसा हो गया जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। लकी गन चला देती है लेकिन ट्रेवर का गन नहीं चलता क्योंकि मार्शमेलो सारे सर्किट को तहस नहस कर रहे थे। कैली पेडल भी मारती है लेकिन कुछ नहीं होता। यहाँ मॉन्स्टर ट्रैप से दूसरा मॉन्स्टर को भी आज़ाद कर देता है जो लकी को पोजेस कर लेती है।
यहाँ गोजर फिर से आ गए, पर समय पे द रियल गोस्टबस्टर्स आके इनको बचा लेते हैं। लेकिन उन पे भी गोजर भारी पड़ रही थी। तभी फीवी उठती है गन के साथ और गोजर और फीवी का वन ऑन वन होता है। साथ में फीवी के दादाजी भी मदद कर रहे थे। ये सीन काफ़ी इमोशनल था। वहाँ पॉट का सारे मार्शमेलो को टपकाता है, मशीन ऑन कर देता है और ट्रेवर पावर सप्लाई पे वोल्टेज मार के पावर सप्लाई को ऑन कर देता है और फिर कैली पेडल दबा के फील्ड्स के सारे ट्रैप खोल देती है। मतलब इतने साल भर कैली के डैड उस घर को ही एक बहुत बड़ा ट्रैप बना रहे थे, लेकिन पावर इतना ना होने पर वो फेल हो गए। अब क्लाइमेक्स में सारे गोस्ट्स कैद हो गए। यहाँ ग्रूबरसन और लकी दोनों ठीक हो जाते हैं और सुंदर सा हैप्पी एंडिंग हो जाता है। काफ़ी सुंदर हैप्पी एंडिंग, काफ़ी सुंदर। तो यहाँ होता है हमारा गोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ का मूवी एक्सप्लेनेशन ख़त्म। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। इस मूवी का स्क्रिप्ट लिखने में मुझे 2 दिन लगा, कम से कम 16 से 17 पेज लगे। बहुत ज़्यादा मेहनत किया मैंने इस वीडियो में। तो आप अगर मतलब कैसे बोले नहीं पता, पर अच्छे दिल के हो तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी करना मत भूलिए। मैं बहुत बार मांगा, भीख जैसा कर दो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आखिर में क्या बोलना है मुझे नहीं पता, हमेशा की तरह नेक्स्ट टाइम मैं लिख के लाऊंगा। अभी के लिए